हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनियन गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो पार्ट वन होगा। इसमें हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और हम इन क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंट है इंडियन यूनियन के, उनकी जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, वो किसके इक्वल होती है, किसके कंपैरिजन में वो किसके इक्वल होती है? आंसर होगा ब्रिटिश मोनार्क, जो ब्रिटिश के, ब्रिटेन के राजा हैं वहाँ के, उनके इक्वल होती है अथॉरिटी। नेक्स्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, वो किसके द्वारा क्रिएट की गई है? आंसर होगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। जो एक रिटायर्ड जज होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए कहा जा सकता है या नहीं? आंसर होगा यस, जी हाँ, जो एक रिटायर्ड जज होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट पूछा गया, जो हमारा फोर्थ स्टेट है वो कौन सा होता है? आंसर होगा प्रेस, जो प्रेस की पावर है हमारी वो फोर्थ स्टेट। नेक्स्ट, किसी भी स्टेट की ऐसी ऑर्गेन जो लॉ को बनाती है, कानून बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा लेजिस्लेचर। स्टेट की ऑर्गेन जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नेक्स्ट, जो नेचुरल जस्टिस होता है वो कैसा होना चाहिए, क्या मीनिंग होता है उसका? आंसर होगा जो एक जस्ट, फेयर और रीजनेबल एक्शन वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, जो हम जुडिशियल रिव्यू करते हैं, वो कौन से, किस देश के, कंट्री के संविधान से बोरो किया गया है, उधार लिया गया? आंसर होगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, जो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में डील करता है? आंसर होगा वो बताता है जो डोमिनेंस होती है यूनियन लॉज की, जब जो स्टेट के लॉज हैं और यूनियन के लॉज हैं उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो डोमिनेट जो है वो यूनियन के लॉज करते हैं। ये 254 में बताया गया है। नेक्स्ट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर में जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कितने पार्ट्स में, कितने लिस्ट में डिवाइड किया गया है? आंसर होगा अंडर थ्री लिस्ट, तीन लिस्ट में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडिया है उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला जाता है, ये ऐसा क्यों बोला जाता है? सही आंसर होगा, जो एग्जीक्यूटिव होती है यहाँ की वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला जाता है। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो किस चीज़ का इंटीग्रल पार्ट होता है, किस चीज़ का अभिन्न अंग माने जाते हैं? आंसर होगा पार्लियामेंट के। इंडिया में प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, जो सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और जो डिफेंस फोर्सेज की पावर होती है यूनियन ऑफ इंडिया में, वो किसके अंडर में होती है? आंसर होगा प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है, इंडिया में जो मैंडामस की रिट है वो किनके अगेंस्ट लाई करती है, किनके अगेंस्ट की जाती है रिट, जारी की जाती है? आंसर होगा जो ऑफिसर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, सरकार के खिलाफ और उसके ऑफिसर्स के खिलाफ, दोनों के खिलाफ की जा सकती है। नेक्स्ट, जो पावर होती है न्यू स्टेट बनाने की इंडिया में वो किनके पास होती है? आंसर होगा पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट पूछा गया है, जब एक जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेते हैं तो वो किस मैटर में लेते हैं? ये आंसर होगा जब कोई मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर हो उसमें प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दी है वो किस केस से रिलेटेड है? आंसर होगा यह है केशवानंद भारती केस से रिलेटेड। नेक्स्ट है, जो 1973 में जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक लैंडमार्क केस है, उसकी बेंच की जो हियरिंग की गई तो उस बेंच में कितने जज थे टोटल? आंसर होगा 13 जजेज। नेक्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सी एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो नहीं है,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनमें से ऑप्शन में से कौन नहीं है। आंसर होगा जो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस का कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव्ड बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है वो उसको कौन इंजॉय करता है। आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ओनली, सिर्फ ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट, जो चीफ जस्टिस हैं और जो दूसरे जजेज हैं हाई कोर्ट के वो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आंसर होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, जो कुछ क्रिमिनल्स मैटर्स होते हैं उनमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट कोर्ट होती है अपील के लिए वो कौन सी होती है। आंसर होगा जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो ये डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट होती है क्रिमिनल मैटर्स के लिए। नेक्स्ट है, जो हाई कोर्ट है जो कि दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, ये किस चीज़ के, किस लॉ के द्वारा की जाती है। आंसर होगा लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, जो गोल्डन जुबली मनाई गई इंडियन पार्लियामेंट के बनाने की, उसको कब सेलिब्रेट किया, किस डेट को। आंसर होगा 13 मई 2002 को। नेक्स्ट है, जो ऐसा कौन सी पोस्ट है या ऑफिसर है जो नेशन को, किसी भी देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उनके पास रूल करने की पावर नहीं होती। आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसकी जो पावर्स हैं उसको किन किन के बीच डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आंसर होगा सेंट्रल और स्टेट्स के बीच। नेक्स्ट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं। आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको किन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। आंसर होगा जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक इलेक्टेड होते हैं या फिर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। आंसर होगा वो इलेक्टेड होते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किन के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। पूछा गया है जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो अपनी पोस्ट के लिए दोबारा से कितनी बार तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। आंसर होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, वो अनगिनत टाइम तक लड़ सकते हैं। इन पे कोई, इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने पे कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, जो जब जो प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट की तरह कौन एक्ट करेगा। आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो एक बिल होता है जो कि किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना होता है, इससे रिलेटेड जो बिल है उसको किसी भी जो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया जाता है वो किन की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। आंसर होगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, जो एक कमेटी है जो बनाई गई फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वो कौन सी कमेटी है। आंसर होगा फजल अली कमेटी। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसको पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट है, जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया आर्टिकल 3 के अंडर में वो किस बेसिस पर किया गया। आंसर होगा लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के बेस पे। नेक्स्ट है, ऐसा बिल, कोई भी बिल है जो, जैसे एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बिल है उसको किसी भी हाउस में जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी अप्रूवल ली जाती है। आंसर होगा प्रेसिडेंट की, प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया है जो, उसने फेडरल फॉर्म है जो एक संघीय फॉर्म है सरकार की, उसको अडॉप्ट किया, किन ग्राउंड्स पर किया, इसको अडॉप्ट ऑप्ट किया इन्होंने। आंसर होगा लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के ग्राउंड्स पर। नेक्स्ट है, जो आर्म फोर्सेज हैं उसका कमांडर इन चीफ कौन होता है। आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो एलिजिबिलिटी एज होती है वो कितनी होनी चाहिए। आंसर होगा 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो करंटली इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं। आंसर होगा 28 स्टेट्स। देखिए 29 स्टेट्स है, जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। नेक्स्ट है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है उसके उनके उनका टेन्योर कितना होता है, काल कितना होता है, कितने समय के लिए वो चुने जाते हैं। आंसर होगा 4-5 ईयर्स।
नेक्स्ट है जो करंटली जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में वो कितनी है, आंसर होगा 8 यूनियन टेरिटरीज। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को 2 UT में डिवाइड करने के बाद टोटल यूटीज की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन अभी बाद में दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को ज्वाइन करके एक यूटी बना दिया गया, इसलिए टोटल 8 हो जाती है ये यूटी। नेक्स्ट पूछा गया है जो प्रेजिडेंट है वो कितने एंग्लो इंडियन या फिर दूसरे मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा में रिस्पेक्टिवली नॉमिनेट करते हैं, आंसर होगा लोकसभा में 2 मेंबर्स को और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। नेक्स्ट होगा जो लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है, आंसर होगा 30 सीट्स को। नेक्स्ट है जो ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउस का पार्लियामेंट के, उसकी उस पर कौन प्रेजिडेंट होता है, उसको हेड कौन करता है, आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो किन की अपॉइंटमेंट नहीं करते, नोट पूछा गया है, आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। हम जान चुके हैं जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट है जो प्रेजिडेंट है वो जो MPs हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किससे कंसल्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, आंसर होगा इलेक्शन कमिश्नर से। नेक्स्ट ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को जो अलग अलग बिल्स हैं उनको अप्रूव करने की परमिशन देता है, आंसर होगा आर्टिकल 111। कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस के लिए परमिशन देता है, आंसर होगा आर्टिकल 143 आर्टिकल। नेक्स्ट है जो फेडरेशन है इंडिया का संघ है उसमें जो मेन स्टेट्स के लिए सोर्स ऑफ पावर है वो कौन सा होता है, आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है सभी स्टेट्स के लिए पावर का सोर्स। नेक्स्ट है जो 3 लिस्ट बताई गई है संविधान में उनके क्या क्या नाम है, आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट पूछा गया जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आंसर होगा 97 सब्जेक्ट्स। जो स्टेट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आंसर होगा 66 सब्जेक्ट्स। जो कंकरेंट लिस्ट है थर्ड लिस्ट है जो उसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, आंसर होगा 47 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेंट्रल स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है वो किस चीज़ की डिवीजन को इंडिकेट करते हैं, आंसर होगा लेजिस्लेटिव पावर्स की डिवीजन को। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया में जो हमारे 5-year प्लान्स बनाए गए वो किसके कौन सी लिस्ट के अंडर में आते हैं, आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट के अंडर में। नेक्स्ट है जो रेलवेज का डिपार्टमेंट है या रेलवेज के वर्क्स हैं वो कौन सी लिस्ट के अंडर में आते हैं, आंसर होगा सेंट्रल या फिर यूनियन लिस्ट में। जो लॉटरीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो कौन सी लिस्ट के अंडर में आती हैं, आंसर होगा अंडर स्टेट लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट के अंडर में उनको कौन से शेड्यूल कौन सी अनुसूची में मेंशन किया गया है, आंसर होगा 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सरकारिया कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो किस चीज़ पर रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया, आंसर होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट है जो प्लानिंग की गई इंडिया में प्लानिंग बनाए गए 5-year प्लान्स बनाए गए उनका ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिया गया है, आंसर होगा DPSP से, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं उनसे ये डिराइव किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉरपोरेशन टैक्स पे किया जाता है वो कौन सी गवर्नमेंट को पे किया जाता है, कौन सी गवर्नमेंट को ये जाता है, आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो राज्यसभा है जिसको परमानेंट बॉडी भी बोलते हैं उसका दूसरा क्या नाम है, आंसर होगा अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है जो लोकसभा है जिसको एक टेम्पोरेरी बॉडी भी बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, आंसर होगा लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल। जो पार्लियामेंट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड पार्लर से डिराइव किया गया है और इसका क्या मीनिंग होता है, आंसर होगा टू टॉक, बातचीत करना। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या शामिल है, आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो सबसे पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है जनरल इलेक्शंस के बाद वो कैसा होता है, आंसर होगा वो एक मैंडेटरी सेशन होता है। जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, आंसर होगा बजट सेशन।
पूछा गया है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको कम से कम कितने लोकसभा एमपीज होते हैं जो उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए स्पीकर के पास जाने से पहले, स्पीकर के पास एडमिट होने से पहले। आंसर हुआ 50 एमपीज, कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को। नेक्स्ट है, जो डेमोक्रेटिक चैम्बर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? आंसर हुआ लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नॉलेज हाउस बोला जाता है, ये HOUSE है, वो किस हाउस को बोला जाता है? आंसर होगा राज्यसभा को। नेक्स्ट है, जो स्टेट्स, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेट्स को, वो किस बेस पर, किस प्रोपोर्शन पर किया जाता है? आंसर होगा प्रोपोर्शन टू द स्टेट पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन के बेस पर। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? आंसर हुआ आर्टिकल 361। पूछा गया, एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा जब एक हाउस सेशन में होता है तब लागू किया जाता है, वो कैसा होता है? वो एक वैलिड ऑर्डिनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मैटर्स जिन पे जो कि ना तो कंकरेंट लिस्ट के अंडर आते हैं और ना स्टेट लिस्ट के, उन पे किसको जो कानून बनाने का अधिकार होता है? आंसर होगा ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट इन पे लॉ बना सकती है। नेक्स्ट होगा, कोई रिजोल्यूशन जो राज्यसभा में पास की जाती है अंडर लिस्ट टू, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड लिस्ट है, किसी भी जो राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, वो किन कितने मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट होनी चाहिए? आंसर होगा जो प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर से, यानी 2/3 मेंबर्स वो प्रेजेंट है उस टाइम पे और वोटिंग भी की है उन्होंने। नेक्स्ट, कोई भी लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है वो कैसा होना चाहिए, कैसे, किस तरह से एप्लीकेबल होना चाहिए? आंसर होगा यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स पर उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। नेक्स्ट है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है जो जिसमें जो कि जो स्टेट लॉज है उनके साथ वो मैच नहीं करता, उसके में इनकंसिस्टेंट है, तो कौन सा लॉ होगा जो इफेक्ट में माना जाएगा? आंसर होगा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट के कंपैरिजन में जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा फंड जो कि जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कवर करने के लिए, उनके लिए जो लिया जाता है, उस फंड को क्या बोलते हैं? आंसर हुआ कंटिंजेंसी फंड। नेक्स्ट है, जो यूजुअल, जो जनरली हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं उनको किस फंड से, किस फंड के अंडर चार्ज किया जाता है? आंसर हुआ कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट है, जो कंटिंजेंसी फंड होता है इंडिया का, उसकी कस्टडी किसके पास होती है? आंसर होगा प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट पूछा गया है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं प्रेसिडेंट, वो कितने टर्म के लिए बनाई जाती हैं? आंसर होगा 1 साल के लिए। जो सेलेक्ट या ज्वाइंट कमेटी होती है दोनों हाउसेज की पार्लियामेंट में, वो किन के द्वारा बनाई जाती है? आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि जो सभी मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो ग्रांट दिया जाता है उसकी जांच करती है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? आंसर होगा उसमें लोकसभा के 30 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के 15 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो एक एडवांस में ग्रांट लिया जाता है जो कि पार्लियामेंट के जो पेंडिंग खर्चे हैं उनके लिए बजट से पहले ही, उसको क्या बोला जाता है? आंसर होगा वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जो किसी भी हाउस को समन करने की और उसको डिजोल्व करने की, भंग करने की जो पावर होती है वो किन के पास होती है? आंसर होगा प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो सबसे पहले बजट पास किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में वो कौन सा बजट होता है? आंसर होगा रेलवे का बजट। नेक्स्ट है, जो जनरल बजट पास किया जाता है हमारे इंडिया का वो किस दिन पास किया जाता है? आंसर होगा जनरली वो जो फरवरी का लास्ट दिन होता है उस दिन वो पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो सबसे पहला सेशन होता है किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर के शुरुआत में, वो किसके द्वारा एड्रेस किया जाता है पार्लियामेंट में? आंसर होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए, जो एमपी बनने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट पूछा गया, जो राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा बिल है जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? आंसर होगा मनी बिल, इसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, जो इम्पीचमेंट का सिस्टम है जिसके अंडर जो प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता है, ये सिस्टम जो किस कंट्री के संविधान से बोरो किया गया है? आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स है वो वैकेंट डिक्लेयर की जाती है, तो वो कब डिक्लेयर की जाती है, कितने ड्यूरेशन के टाइम वह एबसेंट रह चुका होता है कंटिन्यूसली हाउस से? तो आंसर होगा, अगर कोई भी मेंबर एमपी है वो 60 दिन लगातार बिना परमिशन के एबसेंट रहता है तो उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने प्रेसिडेंट्स को जो मोशन ऑफ इम्पोचमेंट है, सॉरी मोशन ऑफ इम्पीचमेंट है, महाभियोग चलाने का जो मोशन है उसके अंडर में रिमूव किया गया है इंडिया में? आंसर होगा 9 प्रेसिडेंट, टिल नाउ अब तक किसी भी राष्ट्रपति को इसके अंडर नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन से आर्टिकल के अंडर में जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 61। नेक्स्ट है, जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रेसिडेंट के खिलाफ कौन से हाउस में, पार्लियामेंट के किस हाउस में स्टार्ट की जाती हैं? आंसर होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में वो स्टार्ट की जा सकती हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, जो इम्पीचमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट का वो किन ग्राउंड्स पर किया जाता है? आंसर होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसने संविधान की जो अवहेलना की है, वायलेट किया है रूल्स को, इस बेसिस पे इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के जो 100 क्वेश्चन से मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी साबित होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फिर कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से के बीच शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।